आपने विंबलडन का फाइनल देखा? हाँ देखा। और ये आपने देखा उसमें कि अल्काराज जो है उसे जोकोविच की विंबलडन की वो रेन एंड कर दी। अल्काराज जिस तरह से पिछले दो सालों से राइज कर रहा है और अभी वो नंबर वन भी इन द वर्ल्ड, तो अब ये एक तरह का क्योंकि वो नंबर वन अब है। अब बन गया नंबर वन। वो नंबर वन था लेकिन इसके बाद वो उसने अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई कर ली क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आ गए उसके पास। तो और अब क्योंकि ग्रास इज जोकोविच फेवरेट सर्फिस, ग्रास पे उसने हरा दिया तो आगे जाके हार्ड कोर्ट्स और क्ले पे तो अल्काराज का और कॉन्फिडेंस होगा। ये बताओ ये जो तुम्हारा जोकोविच था यार, ये तो लग रहा था कि जीत जाएगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था, फर्स्ट सेट ये 6-1 जीता लेकिन चेंजिंग जो एक मोमेंटम चेंज जो आया वो सेकंड सेट टाई ब्रेक पे आया जब इसके पास सेट पॉइंट थे जोकोविच के पास 6-5 सेट पॉइंट, उसके बाद इसने दो लगातार एरर्स कर दिए, वहाँ से अल्काराज ने सेकंड सेट टाई ब्रेक जीता है और फिर मैच का मोमेंटम उसके पास आ गया, उसने थर्ड सेट जीता। हालांकि जोकोविच ने फोर्थ सेट जीता लेकिन मोमेंटम जो है वो अल्काराज के पास रहा, एंड में फिफ्थ में उसको एक ब्रेक चाहिए थी, वहाँ से फिर वो मैच जीत गया। मैं तो विंबलडन 1985 से फॉलो कर रहा हूँ, आप पैदा भी नहीं हुए थे। पहले बेकर आया, बेकर जीता, बेकर फ्रेंच नहीं जीत पाया और ख़त्म हो गया करियर। अगासी और पीट सैंपरस पूरा 90s डोमिनेट किया उन्होंने, सही है। उसमें एंडबर्ग भी आए थे, स्पार्थी ख़त्म हो गए, ज़्यादा नहीं हो पाया उनका। एकदम से जब सैंपरस और अगासी ख़त्म हुए हैं तो उसके बाद फिर फेडरर नडाल ये दोनों आए, ये आए 2002-2003 के ज़माने की बात है, है ना। और उसके बाद फिर जोकोविच आया, एक आए थे रिचर्ड क्राइजेक आए थे, वो विंबलडन फाइनल जीते और उन्होंने कोई वाशिंगटन नाम का प्लेयर था, मुझे नाम भी याद नहीं, मलवाई वाशिंगटन, हाँ उसको हराया। उसके बाद क्राइजेक गायब हो गया, फिर एक और ऐसी स्पार्क आया, एक वो मोहम्मद अली क्ले की तरह की शक्ल का एक था, कहाँ का था, क्या नाम था उसका, सोंगा, वो आए गायब हो गया। तो क्या प्रूफ है आपके पास या क्या आपको ऐसी गीदर सिंह है आपके पास कि आप ये कह रहे हो कि देखिए पिछले 15 साल में जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, डेल पोट्रो, चिलिज, थीम, वावरिंका, इन लोगों ने ग्रैंड स्लैम जीता, नंबर 3 नंबर 2 तक आए, फिर या तो इनका मोमेंटम लूज हो गया या इनको इंजरीज हो गई। अल्काराज ने अभी जो विंबलडन जीता है ये इसका दूसरा ग्रैंड स्लैम है, जो कि बाकी जो जोकोविच नडाल फेडरर के अलावा बाकी किसी और प्लेयर ने नहीं किया इस तरह। और दूसरा इतनी जल्दी नंबर वन बनना किसी ने आज तक नहीं किया। क्या उम्र कितनी है उसकी? 19 ईयर्स का था जब ये नंबर वन बना है, अभी 20 का है। और ये 36 का है? ये 36 का है जोकोविच। हाँ तो हमारे पास यहाँ एविडेंस काफ़ी मौजूद है कि हम ये जनरेशनल एक टैलेंट आ गया आपके पास। यार उन लोगों की तो बदकिस्मती थी ना कि ये तीनों जो बदमाश थे, हाँ ये बैठे हुए थे तो किसी को ऊपर नहीं आने दे रहे थे, अब ये तीनों हट गए, जगह खाली हुई, एक गैर मामूली टैलेंट जो है वो ऊपर आ गया। अगर ये 4 साल पहले आता तो इसका भी असर हो चुका होगा। नहीं, ये इसमें दो चीज़ें, एक तो आपकी बात सही है कि गैप आ गया है, फेडरर रिटायर हो गया है, नडाल इंजर्ड हो, दूसरा ये जो है इसका जिस तरह का गेम है, इसके गेम में फेडरर नडाल जोकोविच तीनों के एलिमेंट्स हैं, तो ये किसी भी जनरेशन में आ जाए इसकी मूवमेंट जो जिस तरह मूव करता है, स्लाइड करता है, जिस तरह जोकोविच अपने प्राइम में करता है उस तरह करता है, इसका एग्रेशन फेडरर वाला, इसका फोरहैंड बहुत खतरनाक है, सर्व बहुत अच्छी है, और नडाल वाली मेंटालिटी है कि हर पॉइंट के लिए इसको फाइट करना है, तो ये किसी और जनरेशन में भी होता ना तो ये बहुत अच्छा कम्पीट करता और स्लैम जीतता, ये तो सब कह रहे हैं। नोवाक जोकोविच का जो 24 ग्रैंड स्लैम का ख्वाब है, हाँ ये क्या है, क्यों है, कैसे है? ये हो भी सकता है लेकिन अब क्योंकि इनके पिछले आप 4-5 साल से देखें इनके पास कोई राइवल नहीं था, बाकी जो अल्काराज से पहले जितने ही प्लेयर्स आए उनमें से मेडवेडेव है, उसने जोकोविच को ग्रैंड स्लैम फाइनल में हराया था लेकिन वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है, और बाकी जो प्लेयर्स हैं लग नहीं रहा था कोई हराएगा, लेकिन अब उसके पास एक राइवल आ गया है अल्काराज, तो अल्काराज के होते हुए जोकोविच के लिए ग्रैंड स्लैम जीतना नामुमकिन तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अल्काराज अब अपने प्राइम में आ रहा है, स्लैम जीतने के कैपेबल वो नहीं लग रहे। तो आप जो हो आपको लग रहा है कि ये जो कार्लोस अल्काराज जो आया है ये वहाँ पे है, टॉप पे है, फेडरर, नडाल, जोकोविच, इनकी लीग। अगर आप नडाल को देखें उसने 19 ईयर्स की एज में पहला स्लैम जीता, 20 साल की एज में 2 जीते,
उसे पूरे करियर में इतनी इंजरीज हैं, फिर भी वो 22 तक पहुंच गया। तो अगर हम ये देखें तो हाँ, ये कहना अभी तो जाहिर सी बात है थोड़ा प्रीमेच्योर है, लेकिन ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी कि अगर ये 22-23 स्लैम्स कर ले, क्योंकि जोकोविच के अलावा बाकी जो प्लेयर्स हैं वो इसके लीग के नहीं है, कोई कंपेरेटर जोकोविच के अलावा है ही नहीं इसका, तो कौन रोकेगा इसको स्लैम्स जीतने से? इंजरी अगर ना हो आ जाएगा, कोई और आ जाएगा यार, फिलहाल तो नहीं लग रहा हमें। जो इसके जनरेशन के जो हैं दो, होल्गर रूना नाम है एक, और एक यानिक सिनर, वो ओकेजनली इसको हरा दे तो हरा दे, बिग मैचेस में वो भी इससे हार जाते हैं। चलो भाई देखते हैं, हमारे पास एक नया प्लेयर आ गया है जी। और अब लोगों के पास एक वो हो गया है कि उन्हें फेडरर नडाल की लड़ाई से निकल के हाँ अब वो अल्काराज की तरफ आ रहे हैं।